परमात्मने नमः। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। हे मेरे ईश्वर, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। हे मेरे दाता, हे मेरे परमात्मा, गाय गंगा यात्री, जल जंगल और जमीन, इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं, इनका संरक्षण, आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। ओम तत्सत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी से साधु संत महात्मा हंस परमहंस बाबा जी आदि सनातन विश्व गुरु विश्व सेवक ऋषि पुत्र, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। कृपया इस उपदेश को हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और अपना कल्याण करें। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आप सभी हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और आगे की यात्रा सफल करें। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन हमने पीछे कर दिया है, आगे हम अब दूसरे साधकों का वर्णन करने जा रहे हैं। आप इस सत्य के समागम को ऋषि मुख से, ब्रह्मनिष्ठ संत के मुख से, आप इसको ध्यान से सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, सुनते ही रहे, अपनी चेतना में उतारें और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, ईश्वर की भक्ति प्राप्त करें, परमात्मा का दर्शन करें, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान पराब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा सर्वेश्वर परमात्मा को, भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है। उस ब्रह्म को जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, विराट से भी विराट है, जो अनंत से भी अनंत है, उस परम 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 ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु 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 साधु, जय हो जय हो जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा परमात्मा का, मेरा यानी परमात्मा का पूजन करते हुए परमात्मा की उपासना करते हैं। और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले परमात्मा के विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा, संसार को परमात्मा का विराट रूप मानकर सेवा भाव से उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, परमात्मा की अनेक प्रकार से उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान यज्ञ चप्यन्येह जयंतो यजंतो ममुपास्ते एकत्तम वेन पृथक्तम वेन बहुधा विश्व रतो मुखम। सीताराम जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अगुना अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पित करें। परम पुरुष परमात्मा के लिए है, वासुदेव के लिए है, इस भाव से उसको समर्पण करें, समर्पण करें, समर्पण करें। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो जो करे वह सब परम पुरुष
परमात्मा भगवान ईश्वर सर्वेश्वर नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पित कर दे, समर्पित कर दे, समर्पित कर दे। हे शंभो, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण सत्य आपके स्रोत है। मैं जो जो भी कर्म करता हूं वह सब आपकी आराधना ही है। इस प्रकार प्रार्थना उपासना करें। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे सर्वेश्वर, हे भगवान, हे महादेव, हे परमात्मा देव, हे अनंत, हे सच्चिदानंद, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे शंभु, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्रोत है। मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्रोत है। मैं जो जो भी कर्म करता हूं सब वह सब आपकी आराधना ही है। प्रभु, महादेव, परमात्मा देव, नारायण, ऐसा समझिए, ऐसा समझिए। इस भाव से परमात्मा को याद करें, परमात्मा को समर्पण करें और परमात्मा की प्राप्ति करें, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही परम ज्योति, दिव्य ज्योति, प्रकाश पुंज के दर्शन है। स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में, स्वयं के हृदय रूपी गुफा में। जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है, ऐसे ही परिवर्तनशील अनित संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती है, वे अभावग्रस्त ही रहते हैं। तब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सबकी तृप्ति हो जाती है। अर्थात वे कृत कृत ज्ञात ज्ञात तत्व और प्राप्त प्राप्त तत्व हो जाते हैं, परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती है। ज्ञान यज्ञेन चापयन्नेह यजन्तो मामुपास्ते एकन्तव्ये। कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात वेद पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्मा को, तत्व को, परमात्मा के तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है, अतः यह अभाव रूप ही है जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है। उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता, इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना है, एक ही भाव से उपासना करना है। उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। सारा ध्यान, सारी इंद्रिया, मन, विवेक, बुद्धि, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक सब सब परमात्मा की ओर मोड़ देना चाहिए, मोड़ देना चाहिए जीव को। हे जीव, परमात्मा कह रहे हैं अपना समस्त भाव, मन, इंद्रिया, एक एक कर्म सर्व परमात्मा की तरफ उस धारा को मोड़ दो, स्वयं कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही
एक ही भाव से उपासना करना है। यजान यजंत पद का तात्पर्य है कि उनके भीतर केवल परमात्मा तत्व का ही आदर है, यही उनका पूजन है, यही उनका पूजन है, यही उनका पूजन है। केवल परमात्मा तत्व का ही आदर है, यही परमात्मा का पूजन है, यही परमात्मा का पूजन है। पृथ्वीन बहुधा विश्ववतमुखम, ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को था पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसे विचारधारा से वे अपने तन मन धन आदि से जनता जनार्दन सेवा में ही लगे रहते हैं। भागवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से उनको भागवत प्राप्ति की पूर्णता हो जाती है। भागवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे मनुष्य को सभी साधक अपनी रुचि योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अलग अलग साधना से जिसकी भी उपासना करते हैं वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। इसी समग्र रूप का मैं वर्णन यहां पे कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुने, समस्त जीव इसको ध्यान से सुने। ये परमात्मा की दिव्य वाणी है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म वाणी है, ब्रह्म के मुख से आपको ये उपदेश स्वयं ब्रह्म मेरी वाणी का इस्तेमाल करके आपको उपदेश दे रहे हैं। ये सत का संग है, ये सत संग है, सत का भजन है, सत भजन है, सत्य संग, सत संग यानी सत्य का संग, सत भजन यानी सत्य का भजन, परमात्मा का भजन, परमात्मा का गुणगान, परमात्मा की ईश्वर का उपासना। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं तो सभी उपासनाएं आपकी कैसी कैसी हुई। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं तो फिर सभी उपासनाएं परमात्मा की कैसे हुई, आगे हम इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर हम सत्यवाणी से, परमात्मा की वाणी से उपदेश करेंगे। आप सभी ध्यान से बार बार सुने। ब्रह्म ज्ञान महाविज्ञान स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, परम ज्ञान परम तत्व का ज्ञान, परम सत्य का मार्ग का ज्ञान, परम मार्ग का ज्ञान, परम तत्व सत्य का ज्ञान, ओम तत्व सत्य का ज्ञान, परम मार्ग है ये, परम सत्य का मार्ग है ये, ब्रह्म ज्ञान है ये, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में उस परमात्मा की, स्वयं की लाइट के, स्वयं के परम परम प्रकाश के दर्शन, आकार और निराकार के दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक जीव का, समस्त जगत का कर्तव्य ही नहीं महान कर्तव्य है। सीताराम जय जय श्री राम। ओ इति नमः, ओम भू भुवा स्व इति नमः, ओम भू भुवा स्व इति नमः, ओम भू भुवा स्व इति नमः।
ओम श्री परमात्मा नमः, ओम श्री परमात्मा नमः, ओम श्री परमात्मा नमः। सीताराम जय जय श्री राम।